कि पूरा का पूरा पुलिस महकमा जो है सिर्फ शराब तस्कर और शराबियों को खोजने पर लगा हुआ है, दूसरे अन्य आपराधिक घटनाओं पर पुलिस को समय नहीं है या इस पे ध्यान नहीं दे रहा है, हालात बेकाबू होता जा रहा है। बीते दिनों जो मधुबनी में घटना घटी उसके बारे में क्या कहना है? मधुबनी में जो घटना घटी है कल वो बहुत ही शर्मनाक है। इससे पता चलता है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। बिहार सरकार के पास अपराध को रोकने के लिए कोई नियंत्रण नहीं है, कोई योजना नहीं है। स्थिति अब ये हो गई है कि अपराधी राह चलते महिलाओं को रिक्शे से उतार कर उसके साथ गैंगरेप कर रहे हैं, घर से उठा कर ले जा रहे हैं। डकैती, चोरी, रंगदारी की घटना बढ़ गई है और सुशासन की सरकार बिल्कुल चुप है। कारण है कि पूरा का पूरा पुलिस महकमा जो है सिर्फ शराब तस्कर और शराबियों को खोजने पर लगा हुआ है, दूसरे अन्य आपराधिक घटनाओं पर पुलिस को समय नहीं है या इस पे ध्यान नहीं दे रहा है, हालात बेकाबू होता जा रहा है और लॉ एंड ऑर्डर बिहार का ध्वस्त हो चुका है। हम तो सरकार से मांग करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि सिर्फ अपराध को लेकर समीक्षा बैठक मत कीजिए, अपराध को अंकुश लगाने के लिए, लगाम लगाने के लिए कार्रवाई करने की जरूरत है। बबलू प्रकाश, प्रदेश प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी बिहार।